जब सूर्यपुत्र कौड दिग्विजय यात्रा के दौरान द्वारका को जीतने गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? क्या भगवान श्री कृष्ण और कौन के बीच महायुद्ध हुआ था? चलिए आप करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य दिखेगा। भगवान श्री कृष्ण जैसा उत्कीर्ण और साहस से भरा योद्धा द्वापर युग में कोई भी नहीं था, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। अपनी असीम शक्ति से वो किसी को भी पल भर में खत्म कर सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार करने भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका पर आक्रमण किया था? आखिर क्यों करने द्वारका पर आक्रमण किया था? जब कौर ने द्वारका पर आक्रमण किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? एक बार जब गौरव वन्य विहार करने गए थे, तब गंधर्वों ने उन पर आक्रमण किया था, और इस युद्ध में गंधर्वों ने कौरवों को परास्त करके दुर्योधन को बंदी बना लिया था, और उनके राजा चित्रसेन ने युद्ध में कई सारी मायाओं का प्रयोग किया था, जिसके कारण गौरव उनके सामने टिक नहीं पाए, और इस युद्ध में लाखों गंध अरबों ने एक साथ कारण पर आक्रमण किया और कर्ण के धनुष को तोड़ डाला, जिसकी वजह से कारण को युद्ध से पीछे हटना पड़ा, और गंधर्व युद्ध के समय कान के पास अपना दिव्य यानी विजय धनुष था ही नहीं, क्योंकि कर्ण ने कभी भी विजय धनुष का इस्तेमाल नहीं किया। उसने तो केवल महाभारत के सत्र में दिन में ही अर्जुन के विरुद्ध उस विजय धनुष का उपयोग किया था, और इस युद्ध में अपने साधारण से धनुष के बल बूते पर कर्ण कोई भी दिव्यास्त्र नहीं चला पाए थे। इसीलिए इस युद्ध में कर्ण को हार का सामना करना पड़ा। कर्ण के सामने ही गंध अरबों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था, लेकिन कहते हैं कि अर्जुन ने ही चंद्र बोस से स्वयं दुर्योधन को बचाया था, और इसी के चलते को सब भगोड़ा भी कहने लगे। उसकी वीरता पर लोगों ने कई सारे सवाल उठाए। इसके बाद उसने अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाने के लिए दिग्विजय यात्रा करने का विचार किया। ये दिग्विजय यात्रा करने तब की थी जब पांडवों को 12 वर्षों के वनवास और एक वर्ष के अज्ञातवास के लिए भेज दिया था, और उस समय दुर्योधन ने धरती के सबसे मुश्किल याग यानी कि वैष्णव याग को किया था। जिस समय कर्ण ने दिग्विजय यात्रा शुरू की और वो अपनी विशाल सेना के साथ दिग्विजय के लिए निकल पड़े। पहले कर्ण ने पांचाल नरेश द्रुपद के राज्य पर आक्रमण किया और अपनी विशाल सेना के साथ कर्ण द्रुपद के राज्यों को चारों ओर से घेर लिया। जब द्रुपद को संदेश मिला कि कर्ण ने उसके राज्य पर आक्रमण किया है, तब द्रुपद अपनी सेना को लेकर युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। इसके बाद करोड़ और द्रुपद में एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कहते हैं कि इस युद्ध में कर्ण ने उपद को पराजित कर अपने अधीन कर लिया था, और इसके बाद द्रुपद का राज्य पांचाल हस्तिनापुर के अधीन हो गया। कर्ण ने द्रुपद को सोना चांदी और कर देने के लिए विवश कर दिया था। महाभारत काल में भगत नामक एक पराक्रमी राजा हुआ करता था। वो प्रागज्योतिषपुर का राजा था। वैसे तो भगत बहुत ही बुजुर्ग योद्धा था, लेकिन फिर भी उसमें इतना प्रकरण था कि उनसे युद्ध करने का कोई भी नहीं सोचता था, क्योंकि उनसे युद्ध करना बिल्कुल नामुमकिन था। दरअसल बगदाद के पिता का नाम नरकासुर था। उसके पास भगवान विष्णु का वैष्णवास्त्र था। उसने अपने पुत्र भगदत्त को यह और दे दिया था। वैष्णवास्त्र को किसी भी अस्त्र से नहीं रोका जा सकता था, लेकिन कर्ण ने अपने दिग्विजय यात्रा के दौरान महापराक्रमी भगत को भी प्राप्त कर दिया था। दिग्विजय यात्रा के समय कर्ण ने भगत के राज्य पर बड़ी ही कुशलता के साथ आक्रमण किया, और इसके बाद भगत के साथ जब कर्ण का महायुद्ध हुआ, तो कर्ण और उसमें भगत को डोट परास्त कर एक वीडियो धाक लाया। इसके बाद कर्ण ने मगध और छेदी को भी जीत लिया था। इसी तरह कर्ण ने सारी दिशाओं में दिग्विजय यात्रा कर सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, यानी कि हस्तिनापुर के अधीन कर
लिया था और अंत में कंवर अपनी सेना को लेकर श्री कृष्ण की नगरी द्वारका पर पहुंचते। देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के साथ कर्ण की दुश्मनी थी, इसीलिए इंद्र ने जल्द ही कर्ण की दिग्विजय यात्रा का संदेश बलराम जी के पास पहुंचा दिया। इंद्र बलराम जी से कहते हैं, हे बलराम, दिग्विजय यात्रा पर निकला है, उसने एक एक करके सारे राज्यों को परास्त कर दिया है और अब उसकी नजरें द्वारका पर है और वो अपनी सेना के साथ द्वारका की ओर बढ़ रहा है। इंद्रदेव की बात सुनकर बलराम जी कहते हैं, हस्तिनापुर की अधीनता हम यादव कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर गण किससे ना द्वारका के द्वार पर पहुंची तो हम उसकी सेना के साथ साथ उससे भी यमलोक के द्वार पर पहुंचा देंगे और आज पूरा संसार बलराम की ग्रोथ को देखेगा। द्वारका पर आक्रमण करने से पहले कांड को यमलोक भेज दूंगा। इसके बाद बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहा, कारण का दुस्साहस तो देखो, कहना वो सेना लेकर हमारी द्वारका पर आक्रमण करने आ रहा है। तुम अपना सुदर्शन चक्र उठाओ और आज पूरा संसार यादवों का बल देखेगा। मैं नहीं चाहता कि युद्ध की अगुवाई तुम करो, जो कि युद्ध की अगुवाई मैं करूंगा और कौन और उसकी सेना को मौत के घाट उतार दूंगा। बलराम जी को क्रोधित देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शांत करते हुए कहा, दाऊ, आप पहले शांत हो जाइए, बिना कारण की मंशा को जानने हमें उससे युद्ध नहीं करना चाहिए। जितना मैं करण को जानता हूँ वो सभी योद्धाओं से थोड़ा भिन्न है। वीर होने के साथ साथ वो बहुत ही विनम्र स्वभाव का भी है। कारण से युद्ध करने से पहले हमको उससे जरूर बात करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों से भी बलराम जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वे भगवान श्री कृष्ण और पूरी यादव सेना के साथ द्वारका के मुख्य द्वार पर पहुंचे। जी हाँ, यादव सेना यानी कि नारायणी सेना, जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था, इसके बाद भी अपनी सेना के साथ द्वारका पहुंचे और अपने सामने बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। लेकिन बलराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपने हाथ पर हल उठाकर कोर्ट को युद्ध की चुनौती दी। बलराम जी की इस चुनौती को सुनकर कर्ण ने अपने धनुष को उठाया और दो बाणों का संधान किया। गार्ड के सामने बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण जैसे महापराक्रमी योद्धाओं को देखकर की सेना और नारायणी सेना बेहद अचम्मे में थी। युद्ध क्षेत्र पर मौजूद हर एक योद्धा चिंता में था। जिसके बाद कृष्ण जी और बलराम की तरफ कर्ण ने दो तीर एक साथ चलाए और देखते देखते दोनों तीर माला में बदल गए और कृष्ण जी और बलराम जी की गले में माला जा गिरी। कर्ण की इस विनम्रता को देखकर बलराम का गुस्सा शांत हो गया। इसके बाद कर्ण ने बलराम जी कहा, है बलदाऊ, हस्तनापुर की तरफ से मैं विजय यात्रा पर निकला था। मैंने चारों दिशाओं के राज्यों को जीता, लेकिन श्री कृष्ण और आपसे युद्ध करके कौन भला मैं आपसे कैसे जीत सकता हूँ? और आखिर कौन जीता? आज तक जो मैं जितना चाहूंगा, मैं द्वारका को जीतने नहीं आया हूँ, बल्कि द्वारका के साथ संधि करने आया हूँ। इसलिए हे बलदाऊ, आप हस्तनापुर की मित्रता को स्वीकार करें। फिर बलराम जी बोले, मैं हस्तनापुर की मित्रता को स्वीकार करता हूँ। बलराम जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अद्भुत कर्ण, अद्भुत, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारिका में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया और कर्ण की पूरी सेना को भोजन कराया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।